भाजपा के बाद आज आम आदमी पार्टी कांगड़ा में सियासी जमीन तैयार करेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की जनसभा से कुछ हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि पहाड़ पर झाड़ू कितनी कामयाब हो पाती है। दरअसल चुनावी साल में केजरीवाल का 20 दिन के अंदर ये दूसरा हिमाचल दौरा है। इससे पहले केजरीवाल मंडी में भी रोड शो कर पार्टी की मजबूत एंट्री करवा चुके हैं। चंबी की जनसभा को सफल बनाने के लिए आप नेता और हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन, हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक कई दिनों से प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 11:30 बजे के करीब कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उसके बाद केजरीवाल 12 बजे के करीब चंबी मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद केजरीवाल के लिए चैट रूम में लंच की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 4 बजे अरविंद केजरीवाल कांगड़ा हवाई अड्डे से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 6 अप्रैल को सीएम के गृह जिला मंडी में रोड शो किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा पार्टी के कई और नेता भी मौजूद हुए थे। इस रोड शो को आम आदमी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा गया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि वो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही प्रदेशवासियों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अगर हिमाचल में आपकी जीत होती है तो हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे और प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे।